तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यूपी में हुए हिंसक प्रदर्शन पर यूपी के कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते। ये पहले से इसकी आशंका थी, विपक्ष पास विकास का मुद्दा है नहीं, विकास के अलावा किसी प्रकार का अन्य मुद्दा है नहीं जो सरकार को आरोपित करे। वो पहले से ही नागरिक संशोधन बिल के बहाने वो इसमें हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर हिंसा फैलाने का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। जहां अगर जहां कुछ कोई किसी ने हिंसा को करने की कोशिश की, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी प्रशासन करेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब भारतीय जनता पार्टी से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ नहीं पा रहे हैं और विफल होते जा रहे हैं, तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट के माध्यम से जो एक नकाब पहनकर जो साजिश रची है उसका पर्दाफाश हो रहा है और जो उनका चाल चरित्र चेहरा है वो जनता के बीच में आ रहा है। और जिन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं उनको तो यही नहीं पता है कि नागरिकता बिल है क्या। आज आप समाजवादी वाली पार्टी के लोगों से पूछ लो, नागरिकता बिल है तो है ही कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं। यहाँ पर जो हिंदुस्तान में भारत में रहते हुए कोई नागरिक है और मुसलमान है, भाई लोग हैं, उनके ऊपर कोई है ही नहीं ये बिल, मगर उनको भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित कर उनको रोडों पे उतारा जा रहा है। ये जो इनका चेहरा है वो नकाब होकर रहेगा और जो लोग इसके पीछे हैं, इस साजिश के पीछे, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। देखिए, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नागरिकता जो संशोधन एक्ट बना है इसमें किसी की भी नागरिकता नहीं जा रही है, केवल उन लोगों को नागरिकता प्रदान की जा रही है जो धार्मिक आधार पर जिनका शोषण किया जा रहा था, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर, उन लोगों को यहाँ नागरिकता दी जा रही है। किसी भी मुसलमान भाई की नागरिकता कोई छीन नहीं रहा है, जो देश का नागरिक है वो नागरिक ही रहेगा। एक षड्यंत्र के तहत सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा और पूरे देश भर में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, ये आग लगाने का काम किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें और हम मुसलमान भाइयों को भी अपील करते हैं कि आप अपने कंधों का इस्तेमाल ना होने दें। ये जो विपक्ष जो है, सब लोग देखे हैं कि जलूस बनाकर लटेट गया है, वहां पत्रक दे के लौट गया है। और ये जो भी तोड़फोड़ किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के आंदोलन को बदनाम करने के लिए। जामिया मिलिया में भी यही लोग कर रहे थे। आप वीडियो वायरल देखिए कि जामिया में एक बस में एक पुलिस वाला को पेट्रोल छिड़क रहा है, बाद में आग लगा दिया, तो सब वायरल हो रहा है मोबाइल में। खुद बदनाम करने के लिए आंदोलन को ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, विद्यार्थी परिषद के लोग, ये सब कर रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि लोगों में रोष है, लोग गैर मुतमईन हैं, लोग हल चाहते हैं। इसे कोई गद्दारी न समझकर इन लोगों के साथ बर्ताव किया जाए, बल्कि ये अपने हक को मांगने का तरीका है। जाहिर है जब हक मांगने वालों को रोका जाएगा, उनके साथ ज्यादती होगी, लाठी चलेगी, डंडा चलेगा, गोली चलेगी, तो हालात बिगड़ेंगे। इसीलिए मैंने राय दी है कि पूरे देश में जिस तरह की बेचैनी है मुद्दों को लेकर, सरकार को चाहिए कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं।